तो राजसिंह टेक चैनल आप लोग का स्वागत करता है इस स्मार्टफोन्स की दुनिया में। दोस्तों इस स्मार्टफोन की दुनिया में हम बहुत सारे स्मार्टफोन का कंपैरिजन वाला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग इतना वीडियो मेहनत से बनाते हैं तो एक एक लाइव और एक एक सब्सक्राइब के लिए ही बनाते हैं। भाई लोग क्या कर रहे हैं यार, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिले कि हम अगले वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर पाए यूट्यूब को। दोस्तों इस स्मार्टफोन की दुनिया में दो जबरदस्त के आईकॉल के स्मार्टफोन लेकर आया हूँ और दोनों को हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में से विजेता कौन बना रहने वाला। तुम्हारा पहला फोन रहने वाला है आईकॉल S2 Pro और दूसरा फोन रहने वाला है आईकॉल K510। तो दोस्तों आईकॉल K510 के पूरा रिव्यू का वीडियो मैं बना चुका हूँ और आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं S2 Pro को और K510 को, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से विजेता कौन सा फोन रहने वाला है। दोस्तों अधिकतर लोग ज्यादा परेशान है, दोस्तों हम आप लोग का सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर करने वाले हैं। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। हम एक एक फीचर्स प्रोवाइड करके बताने वाले हैं S2 Pro में क्या फीचर दिया गया है, K510 में आपको क्या फीचर देखने मिल जाता है। दोनों फोन का कंपैरिजन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोनों फोन के लॉन्च डेट के बारे में बात कर ले तो iCall S2 Pro इंडिया के अंदर 11 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। वहीं पर हम K510 के बारे में बात कर ले तो ए इंडिया के अंदर 15 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों जब से दोनों फोन लॉन्च हुआ है तब से काफी ज्यादा डिमांडेबल में रहा दोस्तों, दोनों फोन आपको डिमांडेबल देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छा लुक डिजाइन के साथ देखने को मिलता है दोस्तों, और काफी ज्यादा लोग इस दोनों फोन को यूज कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर हम दोनों फोन के प्राइस के बारे में बात कर ले तो iCall S2 का प्राइस आपको 2024 में देखने को मिल जाएगा 9,500 के आसपास, 9,499 के आसपास देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कहीं पर आप जाके देख सकते हो, 9,500 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वहीं पर हम बात करें iCall K510 के बारे में तो इसका प्राइस आपको 6,500 के आसपास देखने को मिल जाती है, लेकिन 2024 में इसका प्राइस भी कम किया गया है, इसका प्राइस आपको 6,400 के आसपास देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप ऑफलाइन परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको 200-300 रुपए दोनों में बचने वाला है दोस्तों, 2024 में दोनों फोन का जो प्राइस है कम किया गया है दोस्तों। iCall S2 Pro में आपको 9,500 के प्राइस में आपको 6GB की रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है दोस्तों, और वहीं पर K510 में आपको 6,500 के अंदर में आपको 3GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर तो ठीक है दोस्तों, प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको रैम और स्टोरेज देखने को अच्छा मिल रहा है, लेकिन iCall S2 Pro के अंदर आपको 6GB की रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो काफी बड़ी बात है क्योंकि 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल आप 15,000-16,000-14,000 का फोन लेने जाते हो तब आपको दिया जाता है दोस्तों, लेकिन आपको 9,500 के प्राइस में ही S2 Pro प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। बाकी दोनों फोन के डिस्प्ले साइज के बारे में बात कर ले तो iCall S2 Pro के अंदर आपको 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, और इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो की बहुत अच्छी बात। iCall S2 Pro में आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 6.8 इंच का आपको बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है, IPS LCD डिस्प्ले भी है, तो इसमें काफी अच्छा है दोस्तों प्राइस के हिसाब। वहीं पर बात करें K510 के बारे में तो इसमें आपको 6.26 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है और इसमें भी आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों, और इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से इसमें भी अच्छा डिस्प्ले और रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसमें भी आपको IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। IPS LCD डिस्प्ले आप लोग ने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या है IPS LCD, अच्छा है खराब है? पहले हाई लेवल पर आता है AMOLED डिस्प्ले, फिर आता है OLED डिस्प्ले, और फिर आता है IPS डिस्प्ले। तो IPS डिस्प्ले है वो काफी नीचे रहता है दोस्तों, कम कैटेगरी का फोन में दिया रहता है IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन जो AMOLED और OLED डिस्प्ले जो रहता है काफी मजबूत रहता है, जो महंगे महंगे फोन में दिया रहता है। अगर बात करें दोनों फोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो iCall S2 Pro में आपको बैक साइड में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का आपको सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर हम बात करें iCall K510 के बारे में तो इसमें आपको बैक साइड में 3 कैमरा सेटअप तो देखने को मिलता है, लेकिन वर्किंग कंडीशन में 2 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है कि इसमें आपको 1 कैमरा ही वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन प्रोवाइड किया गया है 2 कैमरा, जिसमें मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल आपको सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको कैमरा सेटअप काफी अच्छा दिया गया है, लेकिन दोस्तों कैमरा सेटअप में आपको iCall S2 Pro में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जो कि काफी क्लीन फोटो या वीडियो आप शूट करते हो तो काफी क्लीन देखने को लगेगा। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा रहता है वो काफी क्लीन करता है वीडियो और फोटो को, और इसमें आपको सेंसर कैमरा दिया गया है और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है दोस्तों। तो कैमरा सेटअप में आपको iCall S2 Pro ही बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। बाकी दोनों फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, तो दोनों में आपको फ्रंट कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से iCall S2 Pro में आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर 9,000-9,500 के प्राइस में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया और यहाँ पर आपको 6,500 के प्राइस में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो यहाँ पर विजेता रहने वाला है iCall K510, क्योंकि इसमें आपको कम प्राइस में ज्यादा मेगापिक्सल दिया गया है फ्रंट कैमरा दोस्तों। यहाँ पर iCall S2 Pro में आपको 5 होल डिस्प्ले कैमरा
वगैरह देखने को मिल जाता है। वहीं पर आईकॉल K510 के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो कैमरा सेटअप है दोनों में अच्छा, लेकिन 5 होल डिस्प्ले कैमरा दिया गया है आईकॉल S2 Pro में, तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में दोस्तों। तो दोस्तों दोनों फोन के बैटरी सेटअप के बारे में बात कर ले तो आईकॉल S2 Pro के अंदर आपको लिथियम पॉलीमर लगा हुआ 5000mAh की बैटरी देखने मिल जाती है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पर हम बात कर ले आईकॉल K510 के अंदर तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है लिथियम लायन का लगा हुआ, जो लिथियम लायन का अच्छा ही बैटरी रहता है दोस्तों, खराब नहीं रहता है वैसे तो, लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। प्राइस के हिसाब से दोनों फोन में आपको बैटरी सेटअप काफी अच्छा देखने को मिल जाती है दोस्तों। और आईकॉल S2 Pro के अंदर आपको USB केबल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आईकॉल K510 के अंदर आपको माइक्रो USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है दोस्तों। तो दोनों में आपको प्राइस के हिसाब से अच्छा दिया गया है, दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको बैटरी सेटअप काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है दोस्तों। बैटरी सेटअप दोनों में आपको अच्छा देखने को मिल जाती है, लगभग 2-3 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से दोनों फोन में देखने को मिल जाएगी। बात करें दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन के बारे में तो आईकॉल S2 Pro के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 14 और 15 का भी अपडेट दिया जा सकता है दोस्तों। वहीं पर हम बात कर ले आईकॉल K510 के अंदर तो इसमें आपको इन द बॉक्स एंड्रॉइड 6 का अपडेट दिया गया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या एंड्रॉइड 13 का अपडेट दिया गया है। बहुत सारे भाइयों लोग का कहना है कि इसमें एंड्रॉइड 13 का अपडेट दिया गया है, लेकिन आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 510 के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट दिया गया है। बात करें दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में तो आईकॉल S2 Pro के अंदर आपको 1.6 GHz का सपोर्ट दिया गया है, जो कि अच्छा प्रोसेसर इतना कम प्राइस में, 1.6 एवरेज है, अच्छा भी नहीं कर सकते दोस्तों, 1.6 GHz कोई माने नहीं रखता है। वहीं पर बात कर ले K510 के अंदर तो इसमें आपको क्वाड कोर 1.3 GHz का सपोर्ट दिया गया है, तो प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको प्रोसेसर काफी खराब देखने को मिल जाता है दोस्तों। लेकिन आईकॉल S2 Pro के अंदर एक अच्छी बात है कि इसमें आपको HDR का सपोर्ट दिया गया है, बाकी दोनों ही फोन में आप 2 सिम के साथ 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और दोनों ही फोन में आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आप दोनों ही फोन में डुअल 4G सिम इस्तेमाल कर सकते हो एक साथ और दोनों ही फोन में आपको 5G का सपोर्ट नहीं दिया गया है दोस्तों। बाकी दोनों ही फोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है, जो कि आप हेडफोन लगाकर गाने सुन सकते हो दोस्तों। बात करें दोनों फोन के लॉक के बारे में तो दोनों ही फोन में आपको फेस लॉक देखने को मिल जाती है, लेकिन फिंगरप्रिंट का लॉक सिर्फ S2 Pro में दिया गया है, K510 के अंदर नहीं दिया है कोई फिंगरप्रिंट। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है आईकॉल S2 Pro के अंदर, जो काफी फास्ट काम करती है दोस्तों। आईकॉल S2 Pro 9.5 के प्राइस में अच्छा फोन है या 6.5 के प्राइस में K510 अच्छा फोन है, आप कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। दोनों फोन का हम कंपैरिजन कर चुके हैं और आप वीडियो देखने के बाद जरूर डिसाइड करके बताएगा कि दोनों में से आपको बेस्ट कौन सा लगा है दोस्तों।